साल 2023 बेहद ही खास है, क्योंकि हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस साल 12 नहीं बल्कि कुल 13 महीने होंगे, क्योंकि इस बार मलमास लग रहा है, जिसे कुछ लोग अधिक मास भी कहते हैं। मलमास की वजह से ही इस साल सावन 2 पड़ रहे हैं और शुभ कार्यों के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। मलमास का महीना बहुत ही खास माना गया है और इस दौरान शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी नहीं किए जाते। ये महीना भगवान विष्णु की आराधना के लिए होता है और इस दौरान भक्त विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस बार मलमास का महीना 18 जुलाई से शुरू होकर 16 अगस्त तक रहेगा। मलमास यानी अधिक मास के कुछ नियम होते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि अधिक मास में क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं। मलमास में क्या खरीदना चाहिए? अधिक मास में शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, ऐसे में शॉपिंग करते समय भी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मलमास में आप किसी भी तरह की शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक आदि। आप चाहे तो प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी खरीदते समय कागजी कार्रवाई पूरी रहे। मलमास में क्या नहीं खरीदना चाहिए? मलमास में लोग भगवान विष्णु की आराधना करते हैं ताकि कार्यों में शुभ फल की प्राप्ति हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मलमास के दौरान वाहन की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि इस दौरान वाहन खरीदना नुकसानदायक साबित हो सकता है, ऐसे में वाहन के लिए देव उठनी एकादशी का इंतजार करें, क्योंकि इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसके बाद ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। जब तक भगवान विष्णु का आशीर्वाद ना हो तो काम सफल नहीं होता, तो आप भी मलमास में इन चीजों का ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।